नमस्कार दर्शक तथा पाठक बंधुओं, एकलव्य मानव संदेश न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, साथ नोटिफिकेशन का बेल आ रहा है उसे क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियो अपलोड होते ही आपको। अनुसूचित जनजाति आयोग कहता है कि अगर किसी जनजाति के बेटी के तरफ कोई आंख निकाल कर देखता है, उंगली उठाता, उस साले का हाथ काट दिया जाए, उसकी आंख खो दी जाए और उस बेटी को 10 लाख रुपए दे दी जाए, उस साले को जेल दे दिया जाए। ये कानून आपके पुरखों ने बनाया था, आपके पुरखों ने कानून बनाया था, वो कानून कहाँ चला गया? आपके नेता कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? वो कानून कहाँ जा रहा है? आपकी माँ बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही है और एक खून जो आप पानी बनता जा रहा है, उस खून को गर्म करो और जो ये माझी का आरक्षण खाने वाले लोग हैं उनका खाना करना दरवाजे पर चमक के 10 लाख मारो और उन सालों को गला काट कर फेंक दो। देखो तुम्हारा माझी का आरक्षण तुम्हारे दरवाजे पर नहीं करोगे तो तुम नहीं होने वाला है। छीनने का काम कर रहा है। अगर आपके अंदर आपके पुरखे का माजी लेने वाले जो आपके पुरखे थे, अगर उनका खून आपके शरीर में है तो उन्होंने अगर लड़कर माजी लिखवाया था, आरक्षण लिया था, अगर आपके अंदर शक्ति है तो वो जो नहीं दे रहा है, जो पार्टी नहीं दे रही है, उसको दबा दे, आप प्रक्षेप से मार के भगाओ। आपका आरक्षण देखो सुबह दे दे दो बाद में शाम को ना बोले। नेता बनाते रहो ऐसे ही, जब तक आप सही से लड़ाई नहीं लड़ोगे कुछ होने वाला नहीं है। तीतर देखते हो, तीतर कहता है, तीतर होता है पक्षी, उसको एक आदमी शिकारी फंसाता है, पिलाता जिलाता है और उसको अपनी भाषा सिखाता है और बोलता है तित का। जब वो सीख लेता है उसकी भाषा बोलने लगता है और जैसे तीतर बोलने लगता है तृतका, वैसे ही उसके भाई सुनते हैं, जंगल से बीन से अपने घोंसले से निकलते हैं, अरे मेरा भाई पुकार रहा है, चलो दौड़ो संकट में, चलो मेरा नेता पुकार रहा है, दौड़ो 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 दौड़ो। भाई से मिलने के लिए जाल में फंस जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं, शिकारी छुपा रहता है, आता है बिटोरता है, पाले हुए तीतर को निकालता है, पिंजरे में रखता है कि फिर फंसाने का काम आएगा, क्योंकि वो जो भाषा बोलता है क्या कहता है, बिरादर आओ दाना खाओ, बिरादर आओ दाना खाओ, बिरादर की बात में हम फंस जाते हैं, दाना खाने के चक्कर में वो चले जाते हैं और हमारे लिए क्या होता है, जाल बिटोरता है, तीतर को ले जाता है, 8,000 में बेच देता है और बेचने के बाद हमें हलाल करा देता है। वो भाई है कि कसाई है? कसाई है। उसे बोलो कसाई है। भाई है कि कसाई है? कसाई है। उसी तरीके से जब ये चुनाव आते हैं तो हमारे बिरादरी के नेता सपा बसपा भाजपा कांग्रेस में है और वो बोलते हैं, अरे भाई अब वोट दे दो, ये हम दाना दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं, क्या 70 साल से अधिकार मिल रहा है? नहीं। अधिकार जा रहा है, बोलो मिल रहा है कि खत्म हो रहा है? मिल रहा है कि खत्म हो रहा है? खत्म हो रहा है। अगर खत्म हो रहा है सुन और भाई ना सर, जय निषाद राज। मेरा तो वहीं रखा है, यार बात नहीं की क्या?
रहना है तो रहना है कि नहीं रहना है, रहना है। आपका चेहरा नाक कान गला माँ बाप का है तो शरीर में माँ बाप का खून आया है और यहाँ वहाँ से 40 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे अगर निषाद राज का खून निषाद राज का किला है तो ये मछुआरे ये माजी निषाद है कि नहीं है, है। हमारे शरीर में निषाद राज का खून है कि नहीं है, है। तो हम नौकर थे कि राजा थे, राजा थे। दोनों मुंह से नौकर थे कि राजा थे, राजा थे। एक मांगते थे कि लोगों को देते थे, देते। मैं केवल जगाने निकला हूँ, अपने खून को हिस्सा दिलाने निकला हूँ, केवल आपको सही बात बताने निकला हूँ कि कलम में ताकत है। अब बाबा लोग मंदिर में नहीं जा रहे हैं, बाबा लोग चुनाव लड़के सदन में जा रहे हैं और बाबा लोग दिल्ली जा रहे हैं। आपको हिस्सा दे रहे हैं कि अपने लोगों को हिस्सा दे रहे हैं? अपने लोगों को, अपने लोगों को दे रहे हैं तो हम लोगों का हिस्सा कैसे मिलेगा? अगर पंजा वाला जीता तो पंजा वालों को हिस्सा दिया कि नहीं दिया? दिया भाई। क्या हमको दिया? हमारी सुरक्षा दिया? माझी वाला भी खा गया? बोलो भाई। कमल आया, कमल कमल 6 दिन लाया, लेकिन अपने लोगों को 6 दिन लाया कि नहीं लाया? हमारे यहाँ अधेरा है कि नहीं है? इसके मतलब उस मशीन में बटन जो है क्या कमल हमारे लिए है? नहीं। उसे बोलो है नहीं। क्या वो पंजा हमारे लिए है? नहीं। लेकिन गोरखपुर यूपी में एक हाथी बटन है, एक साइकिल बटन है। हाथी आती है तो अपने लोगों का साथी है कि नहीं है? साइकिल जीतती है तो साइकिल वालों को पहचानती है कि नहीं पहचानती है? पहचानती है। उसमें निषादों का भी एक बटन आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। निषाद लड़के जीत रहा है नहीं जीत रहा है? जीत रहा है। अपने लोगों को पहचान रहा है नहीं पहचान रहा है? पहचान रहा है। अभी इंजीनियर प्रवीण निषाद वहाँ जीते कि नहीं जीते? जीते। अब निषाद खड़ा हो गया तो यादव मुसलमान दलित वोट दिए कि नहीं दिए? आपका बटन अलग से वहाँ हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो यहाँ मध्य प्रदेश में भी आपका बटन अलग होगा कि नहीं होगा? होगा। बटन जीतेगा तो आपको पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा? पहचानेगा। आप अपना बटन दबाओगे तो आपके वहाँ गरीबी खत्म होगा कि नहीं होगा? आपके यहाँ उजाला होगा कि नहीं होगा? तो भाजपा वालों के यहाँ उजाला है कि नहीं है? कांग्रेस वालों के यहाँ उजाला है कि नहीं है? क्या मछुआरों का उजाला है? नहीं। भाई उजाला है? नहीं। बटन हम दबाते हैं बिजली उनके यहाँ जल रहा है कि नहीं जल रहा है? जल रहा है। हम बटन दबाते हैं नौकरी उनके यहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम बटन दबा रहे हैं तो रुपया उनके यहाँ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हम लोग बटन दबा रहे हैं वो धनी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारा रुपया उनके घर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इन बेईमानों का बटन दबाना है क्या? अपना बटन लगाना है कि नहीं लगाना है? कच्चा बटन लगाना है कि पक्का लगाना है? 2018 में पक्का बटन लगेगा कि नहीं लगेगा? दबेगा कि नहीं दबेगा? पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कलम चलेगा कि नहीं चलेगा? हर बेईमानों को 70 साल देख लिया, अब आप भी देखना है क्या? देखना है भीख मांगना है क्या? टिकट मांगना है कि टिकट देना है? बोलो भाई, टिकट मांगना है कि देना है? भाजपा वाले मांग रहे हैं कि दे रहे हैं? हम भी, हमारी पार्टी होगी तो हम टिकट देंगे कि नहीं देंगे? बोलो भाई, देंगे कि नहीं देंगे? अपने समाज का हिस्सा हमारी पार्टी देगी कि नहीं देगी? हमारा वोट कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है कि सबसे ज्यादा? झगुआ भर की झगुआ भर, कौन जीतेगा, पगुआ वाला की झगुआ वाला? जीत कौन रहा? पगुआ वाला, क्योंकि पगुआ पिला रहा है। हमारे ऊपर कौन सा नियंत्रण है? बोलो, टिकाऊ टिकाऊ का कि पिकाऊ का? टिकाऊ और पियाऊ का लेवी लगाए, हटेगा कि नहीं हटेगा? हटाना है कि नहीं हटाना है? कितने लोग हटाने के लिए तैयार है? थोड़ा हाथ पक्का? आज के दिन में भाजपा वाले जय श्री राम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। जय श्री राम से उनका हिस्सा मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया। हमारा हिस्सा डूब गया कि नहीं डूब गया? डूब गया। जय श्री राम बोलते पंडित जी ऊपर है कि नहीं है? हम लोग नीचे हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। निषाद राज नीचे
थे कि ऊपर थे? ऊपर थे। हमारा बण नीचे वाला है कि ऊपर वाला? ऊपर वाला। हम राजा थे कि नहीं थे? नीचे रहेंगे कि ऊपर रहेंगे? पक्का। हमारा जो है नारा अलग होगा कि नहीं होगा? होगा। हमारा झंडा अलग होगा कि नहीं होगा? होगा। हमारा चिन्ह अलग होगा कि नहीं होगा? होगा। हमारा नेता अलग होगा कि नहीं होगा? होगा। हमारा पार्टी अलग होगा कि नहीं होगा? होगा। आपकी पार्टी निषाद पार्टी आ गई है, निर्बल जिसका दल होता उसका बल होता है, उसकी समस्याओं का उसका दल नहीं उसका बल नहीं उसकी समस्याओं का हल नहीं। हम लोग निर्बल है कि नहीं है? हमारा पार्टी मिल गया तो सबल होंगे कि नहीं होंगे? पक्का। अपनी पार्टी का प्रचार होगा कि नहीं होगा? होगा। आपके नेता डॉक्टर संजय है कि नहीं है? आज यहाँ दलितों ने मायावती को नेता माना कि नहीं माना? माना। आप मानने के लिए तैयार हो? आपको दिन में उत्तर प्रदेश में सफल हो कि नहीं हो? आप भी यहाँ सफल हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? हो जाएंगे। मायावती के लोग क्या दूसरे को नेता मान लिए? बोलो भाई, दलितों के नेता यहाँ भी मायावती है कि नहीं है? यहाँ हाथी आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। देने के लिए तैयार है? नहीं तैयार है? तैयार है। आज के दिन में हिस्सा मिल रहा कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। अगर हमारा भी पार्टी आ गया, हमारा नेता हमारा झंडा आ गया तो हमारा भी हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। आज वो दलित से मिले तो क्या बोलता है? जय श्री राम की जय भीम। जय भीम। अरे भाई दलित भाई क्या बोलते हैं? जय भीम। यहाँ वोट मांगने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? जय भीम। कहते हैं भैया हाथी वाला है, यहाँ दारू नहीं चलेगा। वो बिकाऊ है कि टिकाऊ है? टिकाऊ है। हमारे वहाँ सबकी गाड़ी आती है, ये कहते हैं यही साले सब बिकाऊ और टिकाऊ है। लेकिन अगर हमारे गांव में आपको साथ काम करना पड़ेगा, करने के लिए तैयार है भाई? तैयार है। बोलो भाई, करने के लिए तैयार है? तैयार है। खोलने के लिए तैयार है? तैयार है। आवाज देने के लिए तैयार है? तैयार है। आज के दिन में जो है जिन्होंने अपना मुंह खोला, अपनी पार्टी को जिंदा किया, उसका समाज जिंदा है कि नहीं है? जिंदा है। भाजपा को जिंदाबाद किए, भाजपा जिंदा हो गई, बड़े लोग जिंदा हो गए। कांग्रेस को जिंदा किया, कांग्रेस ही जिंदा हो गए। अगर निषाद पार्टी का जिंदाबाद यहाँ करेंगे तो निषाद हमारा मछुआ माझी जिंदा होगा कि नहीं होगा? होगा। किसका जिंदाबाद किनारा लगेगा, भाजपा कांग्रेस का कि निषाद पार्टी? निषाद पार्टी। पार्टी जिंदाबाद। 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 क्या करते हो आज? बोलो निषाद पार्टी जिंदाबाद। निषाद पार्टी। आज के दिन में मायावती का नाम लेता है कि कुमारी बहन जी कहता है? बोलो भाई, अपने नेता का सम्मान रखता है कि नहीं रखता है? रखता है। आधा बात मानता है कि पूरा? पूरा। आज अपनी पार्टी अपने नेता का आधा बात मानता है कि पूरा? पूरा। आप लोग आप अपनी पार्टी अपने नेता का आधा बात मानोगे कि पूरा? पूरा। मैं कहता हूँ, उन्होंने कहा हमारा आदमी जो है जय भीम बोलेगा, जय श्री राम नहीं बोलेगा। तो आज दलित जो है जय श्री राम बोलते हैं कि जय भीम? जय भीम। बोलो भाई क्या बोलते हैं? जय भीम। तो आज सरकार डरती है कि नहीं डरती है? डरती है। का हिस्सा दे रही है नहीं दे रही है? दे रही है। आरक्षण दे रही है नहीं दे रही है? दे रही है। क्या उनको मांगना पड़ रहा है? नहीं। उनको रैली निकालना पड़ रहा है? नहीं। उनको सुअर लेके घूमना पड़ रहा है? नहीं। बोलो भाई, नहीं। आज हमको मछली पांग के घूमना पड़ रहा है नहीं घूमना पड़ रहा है? घूमना पड़ रहा है। पड़ रहा है नहीं मांगना पड़ रहा है? मांगना पड़ रहा है। बाद मुँह से बोलना है जय निषाद राज। जय निषाद राज। बोलना है बोलते थे बोलो तेज आवाज बोलो जय निषाद राज। भाजपा वाला वोट मांगने आए तब क्या बोलोगे? जय निषाद राज। कांग्रेस वाला है तब क्या बोलोगे? जय निषाद राज। तब क्या बोलोगे? जय निषाद राज। दारू और पैसा लेने वाला नहीं है। अपने घर पर भाजपा का झंडा लगाओगे कि अपनी पार्टी का? अपनी पार्टी का। बोलो भाई अपनी पार्टी का। दलित किसका लगाता है, जय श्री राम वाला कि नीला वाला? नीला वाला। मुसलमान कौन लगाता है? हरा वाला। तो हमारे यहाँ कौन सा लगेगा? लाल वाला। लगेगा आज उसमें उनके यहाँ अम्बेडकर का फोटो है कि नहीं है? हमारे झंडे में निषाद राज का फोटो होगा कि नहीं होगा? होगा। संजय का फोटो होगा कि नहीं होगा? होगा। दलित जो है अम्बेडकर मायावती का कांशी राम का फोटो लगाया नहीं लगाया है? लगाए है। अपनी पार्टी में डॉक्टर संजय और अपने निषाद राज का फोटो लगाओगे नहीं लगाओगे? लगाएंगे। लगाओगे तो महान काला जाओगे नहीं?
बाद में बात नहीं, निवेदन नहीं, अभी तक तो नहीं कभी पूछा। 70 साल से एक बार बोलो जय निशान। खोलने के लिए तैयार हो? तैयार है। पक्का? एक दिन अगली बार यहाँ पूरा संख्या के साथ आने के लिए तैयार हो? तैयार है। गांव से एक ट्रैक्टर लाने के लिए तैयार हो? तैयार है। बोलो भाई तैयार हो? तैयार है। ऐसा हमसे मांगोगे कि अपना लगाओगे? अपना लगाएंगे। समाज बीमार है कि नहीं है? है। गरीब है कि नहीं है? है। गरीब का बेटा गरीब है कि नहीं है? है। बीमार आदमी का बेटा बीमार है कि नहीं है? है। उसका इलाज जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जरूरी है। बरेली भी अस्पताल जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जरूरी है। डॉक्टर बनना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जरूरी है। आज के दिन में ऊंची जातियों के यहाँ उनका समाज इकट्ठा है कि नहीं है? इकट्ठा है। हमारा समाज इकट्ठा होगा कि नहीं होगा? होगा। आज के दिन में घर से डोलना है कि नहीं डोलना है? डोलना है। प्रचार करना है कि नहीं करना है? करना है। जो भी लोग ऊंची जात के लोग हैं उनके खिलाफ SC ST का मुकदमा लगाओगे कि नहीं लगाओगे? लगाएंगे। अनशन करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। एक जगह इकट्ठा होगे कि नहीं होगे? होंगे। आज के दिन में अपना झंडा लगाओ। 11 किताबें हमने लिखी है, उस किताबों को ला के पढ़ो। केवल 3-5 काम करो, अपने गांव में अपना प्रचार करो, अपनी पार्टी का प्रसार करो, कमेटी गठित करो, कार्यकर्ता बनाओ, कोष इकट्ठा करो, चंदा इकट्ठा करो। किसी जो पैसा दे के आपका इशारा देगा वो इशारा भी करेगा। जिसके पैसे से आओगे वो बाद में कहेगा इस पार्टी वोट दे दोगे। जब अपने पैसे से आप धरना प्रदर्शन करोगे तो किसी को वोट देने की जरूरत नहीं है। आपका वोट इकट्ठा हो जाएगा और नोट भी इकट्ठा हो जाएगा। आपकी गरीबी अपने आप खत्म होना शुरू हो जाएगी। आज के दिन में भाजपा वालों ने पैसा लगा, पैसा पकड़े नहीं, पैसा का पेड़ लगाया है। पैसे का पेड़ लगाया है। भाजपा के पास क्या है? पैसा है कि पैसे का पेड़ है? पैसा है। आज कांग्रेस वालों के पास पैसा है कि पैसे का पेड़ है? पैसा है। हम लोगों के पास पैसे का पेड़ होगा कि नहीं होगा? होगा। बोलो भाई, होगा। किसान पार्टी पैसे का पेड़ है कि नहीं है? है। अधिकार दिलाने वाला पेड़ है कि नहीं है? है। सुरक्षा देने वाला पेड़ है कि नहीं है? है। आपका मान सम्मान स्वाभिमान रोटी कपड़ा और मकान देने का पेड़ है कि नहीं है? है। तो खाद पानी किस में डालोगे? बेईमानों के पेड़ में कि अपने पेड़ में? अपने पेड़ में। भाई हम लोगों ने खाद पानी अभी दूसरे के पार्टी में डाला कि नहीं डाला? नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? आज के बाद खाद पानी अपने पार्टी में डालना नहीं डालना? डालना है। इकट्ठा करो, बस ज्यादा कुछ नहीं।